मुसलमान जरा गौर करे जो थोड़ी थोड़ी सी बातों पर अपनी आस्तीनें समेट लेता है और थोड़ी सी थोड़ी बात पर कहता है कि अच्छा मेरी गलती बताओ क्या है, क्या हम हक पर नहीं है, क्या हम गलत हैं। ऐसे जज्बाती मुसलमानों को जरा सोचना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा आपको मक्के में रहने की इजाजत नहीं, ठीक है। तीसरी शर्त, जब आप आइंदा साल मक्के में आएंगे तो हमारे साथियों की तलवारें मियान से बाहर रहेंगी, खुली हुई रहेंगी, चमकती हुई तलवारें उनके हाथों में रहेंगी, लेकिन आपको और आपके साथियों को अपनी तलवारें मियान में रखना होगी। खुली हुई तलवारें लेकर आप मक्के में दाखिल नहीं हो सकते। नबी अकरम ने इस तीसरी शर्त पर जवाब दिया, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारा इरादा तो उमरे का होगा, तवाफ का होगा, सही का होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी ये तीसरी शर्त भी मंजूर है, अपनी तलवारें खुली रखना, हम लड़ने के इरादे से आएंगे ही नहीं, हमारी और हमारे सहाबा की तलवारें मियान के अंदर रहेंगी। चौथी शर्त यह है, आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, अगर मक्के से कोई आदमी भागकर हमारा अगर मदीने जाएगा तो आपको हमारा आदमी वापस करना होगा। हमारा कोई आदमी मक्के से मदीना अगर भागकर आया तो आपको वापस करना होगा, और आपका अगर कोई आदमी मदीने से मक्का की तरफ भाग कर आया, हमारे पास आया, हमने उसको अरेस्ट कर लिया, हमारी वो गिरफ्त में आ गया, तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। हम उसको वापस नहीं करेंगे। जबकि सुलह का तरीका ये होता है कि ठीक है, हमारा आदमी आपके पास आएगा, आप वापस मत करना, आपका आदमी हमारे पास आएगा, हम वापस नहीं करेंगे। या फिर एक तरीका ये होता है कि आपका आदमी हमारे पास आ गया, हम वापस कर देंगे, मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आप वापस कर दीजिए। लेकिन यहां तो शर्त ये है कि मक्के से कोई आदमी भागकर मदीने आएगा और आपने गिरफ्त में ले लिया तो आपको वापस करना होगा, लेकिन आपका आदमी अगर हमारे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। ऐसी जालिमाना शर्त, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शर्त का जवाब क्या कहकर दिया, आए सुहैल मुझे तुम्हारी ये शर्त भी मंजूर है। चलिए ठीक है, मेरा आदमी तुम वापस मत करो। ईमानदारी के साथ बताइए, आजकल की मीडिया होती तो क्या कहती, आपका आदमी मेरे पास आ जाए हम वापस नहीं करेंगे, और मेरा आदमी आपके पास चला जाए तो आपको वापस करना होगा। और नबी अकरम का जवाब यह था, मुझे ये शर्त भी मंजूर, सारी शर्तें मंजूर कर ली गई। दस्तखत का टाइम आया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अय अली लिख दो मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है। अब सोचने वाली बात है, और जैसे ही कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को शर्तें मंजूर है और लिखा जा चुका, तो यहां पर कुरैश की तरफ से काफिरीन मक्का की तरफ से जो सरदार बनकर आया था, जो उनका सुहैल, उसने ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसने कहा लफ्ज रसूलुल्लाह काटो, मुझे रसूलुल्लाह के लफ्ज पर एतराज है, लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये सारी शर्तें मंजूर हैं, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं, हम आपको रसूलुल्लाह नहीं मानते हैं, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान ही ले तो झगड़ा किस बात का है, झगड़ा ही तो इसी से शुरू होता है कि हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, आप अपने आप को अल्लाह का रसूल कहते, हम नहीं मानते, जब हम नहीं मानते तो यहां क्यों लिखा जा रहा है कि रसूलुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है, लिखो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर है।
बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, अय अली लफ्ज रसूलुल्लाह काट दो, काट दो और आगे इब्ने अब्दुल्लाह लिख दो। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को ये शर्तें मंजूर हैं, लिख दो। यहां पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो जुमले कहे वो उनकी ईमानी गैरत थी। फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा है। जब आप अल्लाह के रसूल हैं और ये बरहक हैं, आप जब अल्लाह के रसूल हैं और ये सच है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं लफ्ज रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट सकूं। मैं कैसे रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटूं जबकि आप अल्लाह के रसूल हैं? मैं जानता हूं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, तो मैं कैसे काटूं? मेरे कलम में, मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी जुरत नहीं है कि वो लफ्ज रसूलुल्लाह काट सके। लेकिन समझौता बिगड़ ना जाए, सुलह खत्म ना हो जाए, अल्लाह के नबी ये शांति भंग ना हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा, तो फिर मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ कहां लिखा है लफ्ज रसूलुल्लाह। हजरत अली ने इशारा किया, ये लिखा हुआ, ये इशारा किया, ये यहां से यहां तक ये लफ्ज रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से कलम उठाया और लफ्ज रसूलुल्लाह को अपने हाथ से काट दिया। जरा तसव्वुर कीजिए, उस वक्त हजरत उमर फारूक के दिल पर क्या बीत रही होगी जब लफ्ज रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल अपने हाथ से काट रहे होंगे। हजरत अली के दिल से पूछो क्या गुजर रही होगी जब अल्लाह के नबी लफ्ज रसूलुल्लाह अपने हाथ से काट दिया। आए अली, मैं रसूलुल्लाह भी हूं और अब्दुल्लाह का बेटा मोहम्मद भी हूं। अल्लाह ने मुझे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी बनाया और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बनाया। ये मुझे रसूलुल्लाह नहीं मानते कोई बात नहीं, इब्ने अब्दुल्लाह तो मानते हैं, अब्दुल्लाह का बेटा तो मानते हैं, चलो ठीक है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए इस मंजर पर, बुखारी की रिवायत के मुताबिक हजरत उमर फारूक ने यहां तक कह डाला, अलस्ता अलल हक, ऐ अल्लाह के रसूल क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, बला क्यों नहीं, हम तो हक पर हैं। अल्लाह के नबी से हजरत उमर ने कहा, क्या ये गलत रास्ते पर नहीं है, क्या ये गलती पर नहीं है? अहुम अलल बातिल, क्या ये झूठे रास्ते पर नहीं है? अल्लाह के नबी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, हम हक पर हैं और ये गलत है, ये झूठ पर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर ने कहा, अय अल्लाह के नबी, अगर हम इनसे लड़ें तो क्या ऐसा नहीं, कतलाहुम फिन्नार व कतलाना फिल जन्नत, अगर लड़ाई लड़ें, जंग करें, जिहाद करें और हम इनको मार दें, इनको कत्ल कर दें, तो इनके मुर्दे जहन्नम में जाएंगे, और अगर ये हमको इस जंग में मार दें और कत्ल कर दें, तो हम हमारे शहदा जन्नत के अंदर जाएंगे। क्या ये सच नहीं है? क्या अगर हम लड़ाई लड़ते हुए इनको मार दें तो क्या ये जहन्नम में नहीं जाएंगे? आपने कहा जाएंगे। कहा कि अगर हम लड़ते लड़ते शहीद हो जाए, कत्ल कर दिए जाए, तो क्या हम जन्नत में नहीं जाएंगे? आपने फरमाया क्यों नहीं, हम जाएंगे। तो कहा जब ये सच है तो फिर इतना जिल्लत भरा फैसला आप क्यों कर रहे हैं, इतना दबकर समझौता आप क्यों कर रहे हैं? हजरत उमर फारूक ये कह रहे हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह से। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं ज़बान दे चुका हूं, मैं सुलह कर चुका हूं, मैं समझता हूं इस सुलह के फवायद, मैं समझता हूं इस समझौते का के फायदे, मैं समझता हूं कि फसाद बर्पा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लिहाजा दबकर समझौता करने से अगर अमन कायम है, शांति कायम है, तो बेहतर यही है कि कुछ दबकर समझौता कर लिया जाए। और अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर फारूक की नहीं मानी बल्कि समझौता कर ही लिया और वापस चले गए, उमरा नहीं किया, और इन नाजायज शर्तों को भी आपने मान लिया। मुताला करिए नाजायज शर्तों को, जरा कोई मान के देख लिया, आज इज़राइल मानने के लिए तैयार है? वो तो जायज शर्तें भी मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या वो फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन छोड़ने के लिए तैयार है? नहीं। अक़वामे मुत्तहिदा की और संयुक्त राष्ट्र की क्या वो बात मानने के लिए तैयार है? नहीं। मेरे प्यारे साथियों, दबकर समझौता,
अगर एक एक चीज का मुताला अगर आज की ये मीडिया कर ले तो मेरे भाइयों इस पर घंटों बहस हो सकती है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति को बहाल रखने के लिए और अमन व अमान को कायम करने के लिए इतना दबकर समझौता किया, इतना दबकर समझौता किया, सिर्फ शांति बहाल, अमन कायम। जितना इस्लाम ने अमन को कायम करने का हुक्म दिया, आप दुनिया के दूसरे मजाहिब के अंदर उसका आश्रय अशील भी नहीं देख सकते। वो प्रैक्टिकल करके अल्लाह के नबी ने दिखा दिया कि देखो समझौता मेरी जात तक महदूद नहीं है, इसका ताल्लुक अमन से है, शांति से है, इसलिए मैंने दबकर समझौता किया है। दबकर, जबकि अदल का तकाजा ये कहता है कि जो शर्तें हमारे ऊपर लागू हो रही है वो आपके ऊपर भी लागू हो। और आज मोहल्ले में, गांव में, शहर में, जिले में, सूबे में, मुल्क में या दुनिया में जितना अदल होगा उतना ही अमन होगा। और जहां अमन नहीं है समझ लो कि वहां अदल नहीं है, क्योंकि बेइंसाफी ही रास्ता खोलती है सांप्रदायिक दंगों का। बेइंसाफी ही और गैर आदिलाना निजाम ही रास्ता खोलता है फितना और फसाद। आप अपने घर के अंदर भी आप अदल कायम करेंगे तो सुकून रहेगा। आपकी दो बीवी हैं, अगर आप एक को वक्त ज्यादा देंगे एक को कम, आपके घर में सुकून खत्म हो जाएगा। आपके चार बच्चे हैं, एक बेटे को जमीन ज्यादा देंगे और तीन को आप थोड़ा कम देंगे, किसी एक के हक में ज्यादा झुकेंगे और तीन के हक में अगर आप कम झुकेंगे तो आपके घर में अदल खत्म हो जाएगा और अशांति होगी और झगड़े शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से मेरे भाइयों, जब एक मामूली घर को चलाने के लिए भी जब आपको आदिलाना निजाम चाहिए और अदल का निजाम चाहिए तो फिर एक मोहल्ले को, एक जिले को, एक सूबे को, एक मुल्क को चलाने के लिए और एक दुनिया को चलाने के लिए भी मेरे भाइयों आदिलाना निजाम चाहिए। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, जिस मुल्क में जितना ज्यादा अदल होगा, जितना ज्यादा इंसाफ होगा, जितना ज्यादा आदिलाना निजाम मजबूत होगा, उस मुल्क के अंदर उतना ही ज्यादा अमन और उतनी ज्यादा शांति। जरा सऊदी अरब की सरजमीन पर नजर डालो, अरब की सरजमीन पर फितना और फसाद जोरों पर था, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे वो लड़ जाया करते थे। सीरत की किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इस गांव के रहने वाले, इस कबीले की बकरी, इस कबीले के एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई, दूसरे कबीले से मुंसलिक आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उसने कहा अपनी बकरी को बांध के रखो, तुम्हारी बकरी ने मेरे खेत में आगे घास खा ली। इसने कहा यार जानवर है, बकरी है, खाली तो क्या हो गया, पहाड़ टूट गया। बस इतनी सी बात पर झगड़ा शुरू होता है, दंगा शुरू होता है और दोनों कबीले आपस में लड़ते हैं और ये जंग 27 साल तक चलती है। दोनों तरफ से जब मरने वालों की तादाद गिनी गई तो मेरे भाइयों तकरीबन 40,000 आदमी दोनों तरफ से मर चुके थे, दोनों तरफ से खत्म हो चुके थे, लेकिन दंगा और फसाद उस वक्त तक भी रुका नहीं था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इतनी अज्जड़ कौम थी अरब की धरती पर रहने वाली ये, कि एक बकरी ने दूसरे के खेत में अगर थोड़ी सी घास खा ली तो इसी बात को लेके झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता है और 40,000 आदमी दोनों तरफ से बकरी के चक्कर में मारे जाते हैं, बकरी के चक्कर और दंगा बंद नहीं हुआ। ऐसी कौम के अंदर अमन और अमान और शांति को बहाल कर देना जो एक एक रोटी और बोटी के पीछे लड़ जाते हो, औरतों की इज्जतें जहां महफूज ना हो,
रहीकुल मखदूम पढ़िए, सफीउर रहमान साहब मुबारक पूरी रहमतुल्लाह अलैह की, औरतें खाने काबा का बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ किया करती थी, बिल्कुल बरहना और नंगी होकर तवाफ, जहां हालत ये हो कि औरतों को कपड़े पहनकर तवाफ न करने दिया जाता हो, बल्कि औरतें अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार कर खाने काबा का तवाफ कर रही हो, ऐसे माहौल में जिस औरत के पास जो आदमी जो मर्द जाना चाहे वो किसी आने वाले को नहीं रोक सकती थी, पूरे साल में जितने मर्द उसके पास जाना चाहे बेधड़क चले जाएं, और जब बच्चा पैदा होता था तो वो सबको बुलाती थी और अपने गोद का बच्चा जिस मर्द की गोद में डाल देती थी उसी की बीवी मान ली जाती थी और ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था। ये औरतों की इज्जत थी अरब की सरजमीन पर।